नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर ज्ञान गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार। दोस्तों, आपने एक्सेल फाइल बनाई है और फाइल का साइज काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जिससे कि उसको ओपन करने में परेशानी हो रही है, फाइल ओपन होने में टाइम ले रही है। तो हम किस प्रकार उसको ओपन करेंगे, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, यह आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय गवाए। यह मेरे पास एक फाइल है सब टोटल एंड सम इप्स का, एक्सेल फाइल है, आप देख पा रहे हैं। और इस फाइल का साइज मैं आपको दिखाता हूँ। राइट क्लिक करेंगे हम इसके ऊपर, प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे, तो यहाँ पे दिखा रहा है फाइल का साइज़ 42.7 KB। ओके, अब हम इस फाइल को ओपन करते हैं। दोस्तों देखो, जैसे मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये फाइल ओपन होगी, और ओपन होने में आप कितना टाइम लेती है ये फाइल वो देखते हैं। लगभग इसने 15 से 20 सेकंड ओपन होने में लगाए हैं फाइल ने, ठीक है। अब इस फाइल को हमने जल्दी ओपन करना है। जल्दी ओपन कैसे करेंगे, इसका हम साइज कम साइज में इस फाइल को सेव करें। तो जितनी बड़ी फाइल होगी उतना ही ज़्यादा टाइम लोड होने में लगाएगी, और जितनी छोटी फाइल होगी वो उतनी जल्दी वहाँ पर लोड हो जाएगी। तो इस फाइल का साइज कम कैसे करेंगे, सिंपल सा है दोस्तों। हम इसको सेव एज करेंगे। इसको हम न्यू फोल्डर के अंदर ही इसको सेव कर लेते हैं, उसी जगह आ जाएगी जहाँ पे हमारी ये फाइल रखी हुई है। और इस फाइल को जब सेव एज करेंगे, इसका नाम मैं डाल लेता हूँ 2 कर देता हूँ ताकि पहचान हो जाए। और एक्सेल वर्कबुक की बजाय हम इसको सेव करेंगे एक्सेल बाइनरी वर्कबुक के अंदर। इससे फाइल के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, खाली फाइल का साइज़ कम हो जाएगा, हमारी वही एक्सेल फाइल रहेगी, एक्सेल में ओपन होगी, ठीक है। एक्सेल बाइनरी वर्कबुक हमने सेलेक्ट किया और सेव कर देंगे। अब मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। आप देख रहे हो वहाँ पे दो फाइलें हो गई हमारे पास, पहले ये एक्सेल फाइल थी, अब ये एक्सेल बाइनरी फाइल हो गई। जबकि साइज देखो इसका यहाँ पे दिखा रहा है 32.7 KB, और इसका साइज 42.7 KB। 10 KB का फ़र्क हमारा सिर्फ इतने में ही पड़ गया। अगर फाइल हमारी 1, 2, 3 MB के करीब हो जाती है तो वो उसका साइज उसी हिसाब से और ज़्यादा कम करके दिखाएगा। अब इस फाइल को ओपन करते हैं। मैं यहाँ पे डबल क्लिक यूज़ करूँगा और आप देखोगे कि ये कितना टाइम लेती है। इसने मात्र 4 से 5 सेकंड यूज़ करे हैं। तो इस तरह से आप अपने काम की स्पीड बढ़ाने के लिए उस फाइल का साइज़ कम करके सेव कर सकते हैं और फटाफट फाइलें ओपन करके काम कर सकते हैं। इस तरह आज के भी दो बोनस फॉर्मूले मैं यहाँ पर बताऊँगा, सॉरी बताऊँगा नहीं, मैं पूछूँगा। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पे बताया था सम इफ, सम इफ्स और काउंट इफ, ये वाला और काउंट इफ्स का पूरी तरह से समझ में आ गया था। जिसने नहीं देखा है वीडियो, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे यूज करके बताना है मेरे को एवरेज इफ और एवरेज इफ्स, ये दोनों फॉर्मूले आपने मेरे को बताने, खुद चला के देखने। अगर आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे तो इनको भी चला के देख सकते हो। और फॉर्मूले चलाने के बाद मेरे को फटाफट कमेंट्स में लिखना कि हमारा सही आया या नहीं आया। हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करना, हमें लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर करना। ओके, बाय।